नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि आपके आगामी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, जो कि आपके SSC GD के एग्जाम के लिए, SSC CGL का जो अभी करंट में चल रहा है एग्जाम, और जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम है जहाँ पे भी मैथ पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जो आज का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये SSC GD सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्सेस CAPF SSF यानी जो 30 मार्च 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था SSC GD का, उसमें आए हुए रियल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से, जिसमें कह रहा है कि यदि ब्रैकेट में 5t+3u अनुपात 5t-3u बराबर 5:3 है, तो t अनुपात u का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम बात करें 5t+3u, इसको ये अनुपात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5t-3u बराबर में है 5/3। इसका हम करेंगे त्रिक गुणा, तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें 5t+3u बराबर 5t-3u। अब इसका हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो 5 × 15 t+3 × 9 u बराबर 5 × 25 t-5 = 15 u। u वाले को एक तरफ और t वाले को एक तरफ अगर हम कर दें, तो u को इधर हम ला दें 9u+15u हो जाएगा बराबर में 25t-15t। अब इसको हम अगर इधर से इसको जोड़ देंगे, तो 24u बराबर, इसको घटा देंगे तो ये 10t हो जाएगा। इसको हम 2 से काट देंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 बराबर ये u बराबर 2×5 = 10t हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको जहां अनुपात दिया गया है, अनुपात का मतलब बटा हो गया, उसके बाद इसको हम लोग त्रिक गुणा करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 kg चीनी की कीमत 34%, 1 kg चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई, और यह वृद्धि 51 रुपये की है, प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या होगी? यहाँ पर नई की जगह नई होगा, नई कीमत क्या होगी? तो इसमें क्या कह रहा है कि 1 kg चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई। अगर हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, इस पर दिया ही गया है कि 51 जो है ये 34% है, मतलब 51 जो है 34 है, तो हम पहले 100% निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम काट दीजिए, 51 जब 34% है तो 100% क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर इसकी बात करें, तो ये 17 × 51, 17 × 2 = 34 होता है, 17 से 1 कट गया, 2 से अगर काट दें हम, तो 2 × 5 = 10, 50 आ गया। 50 × 3 में कर देंगे तो 150 आ जाएगा, मतलब उस चीनी का एक्चुअल में मूल्य 150 रुपये था, 100% 150 रुपये है। अब इसमें कितने रुपए की, 51 रुपए की वृद्धि हुई, तो 150 रुपए की चीज में हमने 51 रुपए का मूल्य वृद्धि कर दिया, तो 201 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत लोग इस पे ही टिक मार रहे होंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि देखिएगा, इसमें कह रहा है 1 kg चीनी की कीमत
चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई, मतलब पहले जो मूल्य था ना उसमें 34% की वृद्धि हुई। अगर आप ये भी निकालना चाहे ना तो 150 का 34% आप निकाल दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पांच तिहाई 15, पांच दूना 10, अगर इसको आप काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 17 × 3 = 51, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, यहां देखिएगा विशेष रूप से जब भी आप सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कीजिएगा तो ऑफ को सबसे प्रायोरिटी में रखिएगा, जहां पे भी ऑफ होगा, ऑफ का मतलब होता है इनटू, दोस्तों ऑफ इक्वल टू ओ एफ बराबर इनटू, और ऑफ को आप प्रायोरिटी दे के ही सॉल्व कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन यहां पे ना होता तो हम ऑफ से ही शुरू करते हैं, लेकिन अब कोष्टक है तो इस केस में हम पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे फिर ऑफ को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 81 ऑफ को ऑफ ही लिख देते हैं हम, यहाँ पे कोष्टक में 44 माइनस 11 प्लस 2, इतना लिखने के बाद ये डिवाइड का सिंबल यहाँ पे लगाएंगे, 44 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 5 कोष्टक बंद, इतना हो गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 22 दूना 44, तो यहाँ पे 2 प्लस 5 ये आ गया, तो ये यहाँ पे इतना सॉल्व किया तो 7 हो गया, डिवाइड बाई, ठीक है ना। तो प्लस होता है, पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है, तो जोड़ेंगे क्या, इसमें इसको हम जोड़ देंगे, तो ये 46 माइनस 11 हो जाएगा, ये इतना ब्रैकेट में आ गया, ऑफ यहाँ पे है ही, 81 इधर है ही, ठीक है। 81 इंटू अब हम करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो ये जो 5 यहाँ पे हो जाएगा और ये जो है 35 हो जाएगा यहाँ पे, फिर डिवाइडेड बाय 7 हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड का तो सिंबल है ही, यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि 7 पना 35, अब 81 इंटू 5 कर देंगे तो 5 × 5 = 8, 45, 405 ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 34 कलम का औसत मूल्य 25 रुपए है, यदि 8 नए कलम इसमें शामिल कर दिए जाए तो औसत मूल्य में 4 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। 8 नए कलम का मूल्य कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। देखिएगा एवरेज का क्या होता है, औसत बराबर एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो हम डायरेक्ट यहां पे संख्या लिख देते हैं, औसत बराबर एवरेज इक्वल टू जो भी आंकड़े का योग है उनकी संख्या। तो हमको क्या दिया है, 38 कलम, तो 38 कलम का औसत मूल्य, तो औसत हमको दिया गया है, औसत कितना दिया गया है 25 दिया गया है, आंकड़ों का योग कितना दिया गया है तो हमको नहीं पता है, तो हम x इसको मान लेते हैं, संख्या कितनी दी गई है 38। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 25 × 38 ये इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो संख्याओं का हमको कैलकुलेशन होगा, मतलब कि 25 जो एवरेज है 25 रुपए, वो 38 संख्याओं का जो औसत है उससे हमको क्या मिल जाएगा, संख्याओं का एक्चुअल में वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि इसका जब इंटू करेंगे तो 950 इसका आ जाएगा हमको, 25 × 38 बराबर होता है 950, 25 × 38 संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 950 आएगा, जिसका एवरेज हमको 25 रुपए दिया गया था। अब इसमें क्या कह रहा है कि 8 नए कलम यानी 9 नए पेन को जोड़ ऐड करने पे 4 रुपए औसत जो है बढ़ जाता है, तो इस केस में
आठ जो नए कलम है उनका मूल्य कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या, आठ जो कलम है उसको हम 38 में प्लस अगर कर दें तो 8 × 16 की 6 हासिल का 1 मतलब 46, 46 हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 46 हो जाने पे ये 46 टोटल कलम मतलब टोटल पेन 46 हो गए हैं और एवरेज को हम एवरेज में जोड़ देंगे तो एवरेज को जोड़ देंगे क्या 5×4 = 29। अब इसका हम आपस में इंटू कर देंगे, 46 × 29 अगर हम कर दें तो 1334 देखने को मिलेगा, 1334 1334 मिल गया हमको। क्या पूछा रहा है, 8 कलमों की बात, तो 1334 में 950 को हम कर देंगे माइनस 4, 4 लास्ट में जो आएगा ऑप्शन नंबर एक ही है, डी इज द राइट आंसर, इसको माइनस भी करेंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 × 5 = 13 होता है, 8 हाथ बचेगा यहाँ पे, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3, 384 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले एवरेज अगर कहीं पे भी दिया हो ना तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जो वैल्यू दी गई है उसको पुट कीजिएगा और ऑटोमेटिक आप आंसर इसको प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत, ये भी देखिए एवरेज का है, एसएससी जीडी के लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और एवरेज देखिएगा 2-3 एवरेज इसमें आया है। 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है, हटाई गई संख्या का मान कितना है ये ज्ञात करना है। इसमें 7 संख्याएं दी गई हैं तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो संख्या 7 संख्याएं दी गई हैं, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे संख्या, हम लिख देते हैं डायरेक्ट इतना लिख दिए, तो औसत कितना दिया गया है 18 दिया गया है, आंकड़ों का योग हमको पता करना है, संख्या कितनी दी गई है 7, इसको गुणा कर दीजिए x बराबर 18 × 7, 7 × 7 = 56 की 6 हासिल का 5 × 7 = 7, 7 × 5 = 12, 126 हमको देखने को मिल रहा है, अगर सब सही है तो दोस्तों 126 ये देखने को मिल रहा है। अब हमको ये x मतलब 7 संख्याओं का जो एवरेज दिया गया था उसके अकॉर्डिंग है, अब हम कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत मतलब 6 संख्याएं अगर हो जाती हैं, 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का एवरेज 15 हो जाएगा तो 15 × 6 कितना होगा 90, 90 इसमें से माइनस कर दीजिए आप तो 10 इधर का बच गया मतलब 36, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब देखिएगा क्या रहा ना, 7 संख्याओं का एवरेज, हम एवरेज को हमने एक्चुअल वैल्यू में बदल दिया, एवरेज को एक्चुअल वैल्यू में हमने कन्वर्ट कर दिया, कैसे, जो एवरेज का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। फिर कह रहा है एक संख्या घटा के, तो 7 की जगह 6 करके जो एवरेज दिया है उसका इंटू किया तो 90 आ गया। अब इसका हमको मान निकालना है ना, तो हटाई गई संख्या का कितना वैल्यू था, तो 36 था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की बात करें, देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पे, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए अब हम करेंगे क्या कि देखिए इसमें कह रहा है 4 दिया गया है, 4 कोष्टक में 12 माइनस 10 प्लस का 42 माइनस 17 पूरे के बट्टे में 3 दिया गया है, तो डिवाइड बाय 3 प्लस 4 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा 4 ऐसे ही रखेंगे, ये हमने 4 रख दिया। अब देखिएगा 12 हमने यहां पे लिखा जो कि प्लस का है, फिर हम यहां पे प्लस का 42 कर देंगे, फिर माइनस का 10 कर देंगे, माइनस का 17 कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि अब क्या करेंगे ना, पहले प्लस होता है तो इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 आएगा और ये 5 = 52 आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, तो माइनस का 27 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, अब आगे हम करेंगे क्या, आगे इसको
माइनस कर देंगे तो 14 में जाएगा, 7 तो 7 बचेगा, और ये 4 4 में से 27 हो गया, 27 दूना 54 होता है, फिर यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 4। अब हम करेंगे क्या, 4 गुणे 27 बटा 3 प्लस का 4, तो 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 9 बार में ये कट गया, 4 गुणे 9 प्लस का 4। अब आगे हम करेंगे कैसे इसको, देखिएगा 4 इंटू 9 प्लस 4, 9 चौक 36 प्लस 4 बराबर 40। ऑप्शन नंबर जो बी है, सॉरी हाँ बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पूरा जो कोष्टक में है ब्रैकेट में उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद देन जैसे जैसे स्टेप जाएगा उसको सॉल्व करते जाइएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा हमेशा बोडो मोस रूल्स के अकॉर्डिंग बॉर्डर डिवीजन इस तरीके से, बॉर्डर जैसे अगर कहीं ब्रैकेट है, ब्रैकेट अगर सबसे पहले कहीं पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाना इस तरीके से सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 30% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5,400 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी, ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक दर की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं SI, इनके मध्य का जो डिफरेंट है वो होगा 5,400 रुपए 2 वर्ष के लिए। 30% की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 60%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर दें अगर हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा वो आप कैसे निकालेंगे, तो अगर हम बात करें, अगर मान लेते हैं 100 रुपए का अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपए का एक समान है, 30 रुपए एक साल का उस पर ब्याज लगा, तो हम इसको अगर एक ओवरऑल निकाल के दिखा देते तो 30 रुपए हमारा आया एक साल का, फिर वो अब 130 रुपए ब्याज हो गया, अब प्रिंसिपल हमारा है तो उस पर ब्याज लग जाएगा, तो इसका 30% हम निकाल देंगे, तो ये 100 हो गया, तो ये 39 ये आ गया, मतलब हमारा जो ओवरऑल ब्याज बना वो 69 बना, 69 बना, तो यहाँ पे हमारा 69 जो है ब्याज हो गया, और CI 60% हो गया, तो यहाँ पे हमको अंतर कितने का मिला, 9 का। एक्चुअल में अंतर कितने का है, 5,400 का, तो जब 5,400 9% है तो गुणे में 100 कितना होगा, तो 9×54 6 के बाद 2 जीरो तो है ही, 2 जीरो और ऐड हो जाएगा, इस हिसाब से 60,000 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल आपके प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज भी जुड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ आपके ब्याज जो है वो नहीं जुड़ेगा, आपका जो प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगेगा, तो उसका डिफरेंट हमने निकाला, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 30% की दर से 69% हो जाएगा, एक साल का 30, तो अगले साल वो लगभग 9% इंक्रीज हो जाएगा ब्याज ले करके, और सिंपल इंटरेस्ट 60 है तो 60 ही रहेगा, उनका डिफरेंट हमको 9% मिल रहा है, जबकि एक्चुअल में रुपीज में 5,400 रुपए मिला है, जब 5,400 9% है तो 100% कितना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए सिंपल सिंपलीफिकेशन का सवाल आ गया फिर से। अब इसमें हम करेंगे क्या ना, इधर का इतना ब्रैकेट एक बार में सॉल्व करेंगे, एक बार में इतना ब्रैकेट, तो हम 36 माइनस 12 ये आ गया, ये पूरे ब्रैकेट आ गया, डिवाइडेड बाय 6 प्लस का आ गया 98 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 3×2, इस तरीके से इसको हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, ये इसको काट देंगे 3×7 में ये उड़ गया, इधर ब्रैकेट 98 माइनस 7×2, देखिएगा भाग होता है फिर गुणा होता है, तो 7×7 = 14 माइनस 98,
इतना हम यहाँ तक आ चुके हैं। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 12 दूना 24, 12 दिया 36, मतलब यहाँ पे 24 आ जाएगा इतना। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट बचेगा और ये 6 बचेगा और बाकी का इधर आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे, 24 बटा 6, फिर बाकी का ये तो है ही हमारा, तो 6 से इसको आप काट दीजिए। इसको जब आप काटेंगे 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 बार में ये कट गया, तो 4 प्लस इसको माइनस कर दीजिए तो 4 आ जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो 88 ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गणना कीजिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का, इसको तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 6 4 10 दूना 20, 20 माइनस 5 बराबर 15, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है तो वह संख्या 19,992 रुपये हो जाती है। उस संख्या को हमको ज्ञात करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है 15%, 80% और 44% की क्रमिक रूप से कमी की गई, तो वो 19,992 हो जाती है, 19,992 हो जाती है। तो इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे बेहतरीन क्या है कि जैसे 19,992 जो दिया गया है, ठीक है ना, पहले 15 किया, फिर 80 किया, फिर 44% की कमी हुई। तो अगर हम बात करें कि 44% को सबसे पहले नीचे से कर लें, पहले 15% की कमी किया, फिर 80% की कमी किया, ऑप्शन की तरफ अगर चले हम इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम ये चीज लें, ऑप्शन नंबर एक को 21,000 दिया है, पहले 15 अगर इसका निकाल दें, 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 एकम 15 मतलब अगर 5 0 5 10 1 0 1 2 5 1 5 31,515 रुपए की 15% में कमी हुई। फिर 80% कमी करेंगे इसमें माइनस करके, तो क्रमिक रूप से छूट में क्या है कि आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है कि एक वैल्यू मान लीजिए 100% होता है, उसमें हमने 15 रुपये कमी कर दी। तो इस क्वेश्चन के लिए आप करेंगे क्या, ऑप्शन के हिसाब से देखिए 31,515 आ गया, तो हम 21,000 में से 31,515 को माइनस कर देंगे, 5 में 5, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 0 हो गया, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 0 था तो मतलब 9 हो जाएगा, 9 में से 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये इधर आएगा, मतलब इससे 1 आएगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 9 में से 6 बचेगा और ये 16 85। अब इसका हम निकालेंगे 80% इसका जब अगर हम निकालेंगे, 2 से काट देंगे 2 5 10, 2 4 8, 5 से काट देंगे पूरा, तो एक ओवरऑल हमको यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी। फिर उसका 44% निकालेंगे, उसको माइनस करने के बाद अगर सही आया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले ऑप्शन को रखेंगे। या इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एक हमने अमाउंट मान लिया कि वो अमाउंट है, मान लीजिए
15% की अगर हम कमी कर देते हैं, इसको पूरा क्लियर करते हैं अगर एक बार। ये पूरा क्लियर करके नए सिरे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि पहले 15% की कमी, 15% की कमी का मतलब वो अपने आप में 75% बचा, ठीक। उसका हम 80% जो आएगा उसका 80% मतलब वो 20% बचा, फिर वो जो आएगा उसका 44% मतलब 100 का हम 44% कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा मतलब 66%। इतना सॉल्व करने के बाद हमको मिला क्या, 19,992। अब इसको हम करेंगे एकदम सिंप्लीफाई आसानी से। इसको जब हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन का हमको मिल जाएगा एक्चुअल का आंसर। तो पहले तो इसको आप कट कर काटिए जितना हो सके वो कट जाए। तो देखिए कि ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 5 एक 5 5 15, ठीक है ना। तो 15/100 गुणते 66/100 बराबर 1992 ये मिल गया। अब हम और इसको काट देंगे, अगर 5 से काट दें 5 तियाई 15 5 दूना 10 50 हो गया। अब हम 2 से अगर इसको काट दें तो 2 तियाई 33 हो गया, तो 5 10 50 हो गया। 50 × 50 33 बराबर में मिल गया 1992। अब हम इसका तिर्यक गुणा करके इसका आंसर निकाल लेंगे। तो जैसे कि तो और इसको जब सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये कटेगा और इनटू होगा, और ये संख्या का जब इससे इनटू करेंगे तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल 2500 रुपये है और बिक्री मूल 1800 रुपये है तो वस्तु पर कितनी छूट मिली है ये आपको ज्ञात करना, बस कुछ नहीं इसका माइनस आपको कर देना है। 2500 - 1800 देखिए कितना इजी भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। तो ये हो जाएगा 15 7 × 14 = 15 होता है, तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटेगा, पी के हिस्से का 6 गुना, क्यू के हिस्से के 2 गुना के बराबर है, तो आर के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, तो इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, 7200 है 7200, इसको हम करेंगे 6 से भाग तो हमको मिलेगा पी का हिस्सा। तो 6 × 6 6 × 12 12 × 72 ठीक। क्यू की बात, क्यू मतलब 7200
डिवाइडेड बाई